सई ने छोड़ा चौहान हाउस। सत्या के पास आया क्या सई का फोन? सत्या इतना शॉक्ड क्यों हुआ ये फोन सुनकर? दरवाजा खोलते ही विराट हुआ एकदम शॉक। इसका मतलब कि सई ने छोड़ दिया है घर। वेलकम है किसी के प्यार में की कहानी काफी इंटरेस्टिंग ट्रैक पर आ चुकी है, जहां पर विराट को रियलाइज हो चुका है कि अब वो पत्रलेखा के साथ नहीं रह सकता है। इसी के साथ ही साथ भवानी ने साफ साफ कह दिया है कि तू पत्रलेखा से साफ साफ कह दे, उसे मना कर दे कि अब तू नहीं रह सकता उसके साथ और तू सिर्फ और सिर्फ सई से प्यार करता है। जिसके बाद यहाँ पर जो विराट है उसके मन में जो जो चीज़ें होती हैं वो सब कुछ वो भवानी को बोल देता है। वो बताता है कि क्या फील करता है वो सई के लिए। वो बताता है कि वो सई के बिना नहीं रह सकता। वो बताता है कि क्या क्या अब तक उसने फील किया है और पुरानी बातें जो है वो सोच रहा होता है कि कैसे वो दोनों साथ रहा करते थे, यानी कि सई और विराट जब साथ थे तो कैसा लगता था। ये सारी बातें सोच सोच कर विराट जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। यहाँ पर भवानी जो है वो यही कहती है कि तू अभी भी इतना ज़्यादा प्यार करता है सई से, तो फिर क्यों कह नहीं देता। इसके बाद यहाँ पर विराट कहता है कि मैं ये कैसे कह सकता हूँ, क्योंकि बाकी मेरी जिम्मेदारी है और सई मेरा प्यार, तो मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं कैसे पत्रलेखा को छोड़ सकता हूँ। जिसके बाद भवानी जो है वो साफ साफ कहती है कि पत्रलेखा को आज़ाद करना ज़रूरी है, क्योंकि वो भी काफ़ी हैरान परेशान है और तुझे पता ही है कि उसने क्या क्या किया है और वो क्या क्या कर रही है, तुझे पाने के लिए वो किस हद तक जा रही है। यहाँ पर विराट को इस बात का एहसास होता है और फिर वो आगे के बारे में सोचता है कि हाँ वो कुछ ऐसा ही करने वाला है। और फिर आप देखने वाले हैं कि विराट जो है जाकर पाखी से बोलता है कि मैं जो है अपनी ज़िंदगी शुरू करना चाहता हूँ और मैं ये ज़िंदगी तुम्हारे साथ नहीं बल्कि मैं ये ज़िंदगी सई के साथ शुरू करना चाहता हूँ। और यहाँ पर जो पाखी है वो एकदम शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि पाखी भी यही कहती है कि मैं भी तुम्हारे साथ नई ज़िंदगी शुरू करना चाहती हूँ। और फिर यहाँ पर पाखी जब ये सुनती है तो काफ़ी ज़्यादा हैरान परेशान हो जाती है। और जो विराट है वो सई की तरफ जाता है और सई को जब देखता है कि सई यहाँ नहीं है तो ये देखकर शॉक्ड हो जाता है। तो इसका मतलब यही है कि सई ने जो है फाइनली घर छोड़ दिया है। अब वो जो है वो कहाँ गई है, क्या है, ये तो आप आने वाले एपिसोड में देखेंगे। इसी के साथ साथ सत्या के पास एक फ़ोन आता है जिसे सुनने के बाद सत्या एकदम शॉक्ड हो जाता है। तो किसका फ़ोन आया है सत्या के पास, ये देखना दिलचस्प होगा। तो वहीं पर जो पाखी है उसने फिर से वही हरकत की, फिर से वही सारी चीज़ें करने की कोशिश की। वेल, जब वो यहाँ पहुँचती है यानी कि घर पहुँचती है तो यहाँ पर वीनू जो है वो बात कर रहा होता है सई से और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है, क्योंकि उसकी मम्मा जो है वो हार गई है। और बार बार वीनू यही कहता है कि हर बार जो है वो मेरी मम्मा को ऐसा क्यों होता है, और बार बार वो जो है अपनी मामा का ही फेवर करता नज़र आता है, यानी कि वो पाखी का ही फेवर करता है। और तभी यहाँ पाखी आ जाती है, काफ़ी बौखला जाती है और कहती है तुम मेरे बेटे को क्यों इस तरह से मेरे खिलाफ़ भड़का रही हो। और फिर यहाँ पर पाखी जो है बहुत ही उल्टी सीधी बातें जो है वो सई के लिए फिर से वीनू को कह देती है, जिसके बाद वीनू जो है यहाँ से सई का हाथ छोड़कर चला जाता है। और फिर यहाँ विराट आता है, विराट समझाता है, लेकिन फिर भी वीनू यहाँ पर भी उसकी बात नहीं सुनता है। अब ऐसे में शायद सई ने यही फैसला ले लिया है कि अब यहाँ से घर छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी है और वो चौहान हाउस जो है वो छोड़कर जा चुकी है। देखना दिलचस्प होगा कि अब आगे क्या करती है सई। इस वीडियो में बस इतना ही। टीवी और बॉलीवुड से रिलेटेड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आप फेसबुक पर देख लें तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें।